आज ऐसे ऐसे नकली मौलवी घूम रहे हैं मार्केट में है, बरसात के मेंढक की तरह, टोकरी का टोकरी, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, और पैजामा इतना ऊंचा कि लगता है नैनीताल जेल से छूट के अभी चले आ रहे हैं, टोपी है कि तकिया का खोल है, अब बदकीदों की दाढ़ी है कि हजारीबाग का जंगल है, गौरैया घुस जाए तो निकलने का नाम नहीं, बड़ा बड़ा इज्तेमा करते हैं, पता नहीं इज्तेमा करते हैं क्या, लिस्ते हटा के कुछ और करते हैं, और रातों में क्या तकरीर करते हैं इज्तेमा में, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो, गौस से मत मांगो, ख्वाजा से मत मांगो, वली से मत मांगो, अली से मत मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता है, रात भर कौम को समझाया अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो, और सवेरे नाश्ता 6 बजे बीवी से मांग रहे हैं, पकड़ा हमारे उलमा ने कहा अबे तू रात भर कहा अल्लाह से मांग तो नाश्ता बीवी से क्यों मांगता है, अल्लाह से क्यों नहीं मांगता है, कहा आप नहीं समझिए, कहा हम ही समझेंगे, माकूलात मनकूलात की तमाम किताबें बुखारी तक हम लोग समझते हैं समझाते हैं, तुम हम ही को समझा रहे हैं, कहा आप नहीं समझिएगा, हम जो बीवी से मांगते हैं तो खुदा समझ के नहीं मांगते हैं, तो तब जो उलमा ने कहा तो कौन सुन्नी मुसलमान गौस को खुदा समझ के मांगता है, खाजा को कोई खुदा नहीं समझता है, वारिस को कोई खुदा नहीं समझता है, जुम्मा पीर को कोई खुदा नहीं समझता है, मौला अली को कोई खुदा नहीं समझता है, बात समझ में आ गई कि तुम दुनिया वालों से मांगते हो, सुन्नी मुसलमान अल्लाह वालों से मांगता है, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा, बदअकीदों के हर सवाल का जवाब है सूफी साहब हम लोगों के पास, मगर इनकी मक्कारी का जवाब हमारे पास नहीं है, इनके तकाबाजी और झूठ का जवाब नहीं है, अभी बोलेगा हराम और तुरंत खा लेगा, नियाज हराम, एक प्लेट दे दो नियाज का जर्दा खा लेगा, बोलो हराम खोर हुआ कि नहीं हुआ, अभी बोलेगा खराब के सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, अफीर जी के तो खराब जाना जी सलाह वाले कह रहे, बोले इमामत खतरे में है, नहीं पढ़ने से हटा देगा सब, बोले कौन तोरा धर्म है रे, और जब तोरा धर्म है कान में कुछ, मकान में कुछ, दुकान में कुछ, और मैदान में कुछ, हम बरेली सुन्नी हैं, एक रहेंगे तो भी सलाम पढ़ेंगे, और 1,00,000 रहेंगे तो भी सलाम पढ़ेंगे, हम उस मजहब के मानने वाले हैं कि तो बात कान में वही बात, मकान में वही बात, दुकान में वही बात, मैदान में, सीधे साधे कुछ मुसलमान है कहते हैं मौलाना साहब काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, हो सकता है आखिर में मुसलमान हो जाए, अच्छा तब तो मुसलमान को भी मुसलमान मत कहिए, हो सकता है आखिर में काफिर हो जाए, तो अब्बा को अब्बा मत कहिए, हो सकता है आखिर में कहीं अम्मा मत हो जाए, तो अम्मा को अम्मा भी मत कहिए, हो सकता है आखिर में अब्बू हो जाए, ये पगड़ा है तारे कलकत्ता कलकत्ता मत कहिए, बोले कहा वो सत्ता पटना हो जाए, पगड़ा है कारे, अरे तो कुरान ने काफी को काफी कहा, मुनाफिक को मुनाफिक कहा, मुशरिक को मुशरिक कहा, तो हम पर अकीदा को अकीदा क्यों नहीं कहेंगे, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, सब हो जा, इसलिए अमल की इस्लाह भी जरूरी है, लेकिन अमल के साथ अकीदे का इस्लाह भी बहुत जरूरी है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब तक तो मैं इस्लाह अमल की गुफ्तगू कर रहा था, नौजवानों को बूढ़ों को औरतों को बच्चों को बता रहा था, लेकिन अकीदे को भी तो सुधारना बहुत जरूरी है, आज ऐसी ऐसी जमातें निकली है कीड़े मकोड़े की तरह है, जो कह रहे रसूल तो हमारी तरह, अच्छा तुम्हारी तरह, अब ये काहे बुरी तरह फंस रहा है, तुम्हारी तरह तुम्हारे तरह थे हाँ, तो वो तो बुलाए तो सूरज चला आया, तुम बुलाओ तो बीवी नहीं आती है, मुस्तफा बुलाए तो डूबा हुआ सूरज पश्चिम से चला आया, और तुम बुलाओ तो बेटा ना हो, बोलो वो चले तो कायनात चले, और तुम चलो तो तुम्हारा खानदान ना चले, बोलो तुम्हारे तरफ है, अरे वो थूक दे हजरत अली की आंख में तो आंख की बीमारी ठीक हो जाए, अब तुम थूक दो अच्छा आंख में तो जय मंगला हो जाए, बोलो नहीं मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हमारी तरह, अरे थूक दे खारा पानी में तो कुआं मीठा हो जाए, ई थूक दे मीठा पानी में तो पानी चौपट हो जाए, बोलो भाई उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, इनके बदन पर मक्खी पैखाना फिरती है, उनको कभी मच्छर नहीं काटा,
है, इनको मच्छर रोज इंजेक्शन देता है। बोलो, उनका पसीना लोग ले जाते थे दुल्हन के कपड़े में असल की जगह लगाने के लिए। इन बतकीनों से कहो कि तुम्हारा पसीना भी कभी कोई मोहल्ला में ले गया है? अरे उनका पसीना लगा दे तो कपड़ा महक जाए, पहन ले दुल्हन तो सुहागन महक जाए, और बैठ जाए पालकी में तो सवारी खुशबूदार, और गुजर जाए रास्ते से तो जगह खुशबूदार, और गांव में पहुंचे तो नगर खुशबूदार, और कुछ दिन का बच्चा पैदा हो तो वो भी खुशबूदार।